हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट्स नेम इज मैटर। मैटर मीनिंग होता है पदार्थ। जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हमें दिखाई देती है, जिसके अंदर मास होता है, स्पेस घेरती है, वो मैटर कहलाती है। इस चैप्टर में हम पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, अलग अलग मैटर की स्टेट्स पढ़ेंगे, आपस में किस तरह वो चेंज होती हैं, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ पर, वाहे माई मदर डू नॉट लेट मी ओपन द रेफ्रिजरेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसने बोला है कि मेरी मदर बा की ओपन करने के लिए नहीं, क्यों नहीं छोड़ने देती रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को, क्योंकि उसमें अगर उसको खुला छोड़ देंगे ना तो वो लॉन्ग टाइम लगेगा उसको दोबारा कूल होने में, और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा वेस्ट होगी, ज़्यादा खर्च होगी। एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज ए मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती है और जिसके अंदर मास हो, मैटर कहलाती है। लुक अराउंड इन योर सराउंडिंग, तुम्हारे चारों ओर देखो, यू विल नोटिस दैट एवरी थिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे चारों ओर क्या है, जो चीज़ें हैं उनके अंदर क्या है, मास भी होता है, स्पेस भी होता है। यस, एवरीथिंग जो भी हमारे सराउंडिंग में होती है उनका एक कुछ ना कुछ मैटर होता है। द बुक यू आर रीडिंग, द पेंसिल यू आर होल्डिंग। जो तुम बुक पढ़ते हो, या जो पेंसिल हाथ में पकड़े हुए हो, या जो पेन हाथ में पकड़ रखा है मैंने, ये भी क्या है, एक मैटर है। द वाटर यू ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं, ऑल आर मैटर। जो हमारे चारों ओर दिखाई देती है, जैसे कि बेंच पे बैठ के आप पढ़ते हो, आपकी बुक्स, आपका बैग, आपका ब्लैक बोर्ड, मार्कर, चोक। चोक भी एक मैटर है, क्योंकि वो स्पेस भी घेरता है और उसके अंदर मास होता है। इनफैक्ट यू एंड योर फैमिली आर ऑल मैटर। मैटर के अंदर आता है, जैसे हम भी जहाँ पर खड़े हैं, हम क्या है, उतना हमने स्पेस घेर रखा है, या जहाँ पे बैठे हैं, और हमारे अंदर मास भी होता है। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा मैटर के बारे में। मैटर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स विद इन द मैटर रिजल्ट्स इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट है मैटर के, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, टिनी टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे, और उनकी जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो आगे किस में डिवाइडेड होती है, थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मैटर को क्या है, थ्री स्टेट्स के अंदर, तीन अवस्थाओं के अंदर बांटते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। ये तीनों जो स्टेट होती है वो आपस के अंदर चेंज होती है। इंटरचेंजेबल का मतलब एक दूसरे चेंज, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में। यहाँ पर थ्री स्टेट दिखा रखी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। विच कलर टिकट टू पार्टिकल नीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट ऑफ टू अनदर। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए टिकट, ये समझाने के लिए दिया हुआ है कि रेड वाला पार्ट आपको यहाँ कलर करना है और ब्लू वाला पार्ट कलर करना है। रेड का मतलब है हीटिंग और ब्लू का मतलब है कूलिंग। रेड का मतलब जब हम हीट कर रहे हो किसी चीज़ को, जैसे लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन। लिक्विड चेंज होगा गैस में, उसको इवेपोरेशन बोलेंगे, और हीटिंग होगी उसके बाद लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग, और ये प्रोसेस कौन सी होगी, कूलिंग। उसके बाद सॉलिड चेंज हो जाएगा किस में, गैस में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसके अंदर भी हीटिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, मैटर की स्टेट है, तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपस के अंदर क्या है, इंटरचेंजेबल होती है। लिक्विड गैस में चेंज हो गया, गैस लिक्विड में हो गया, सॉलिड लिक्विड में, और लिक्विड सॉलिड में। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको मेल्टिंग बोलते हैं प्रोसेस को, और लिक्विड से जब सॉलिड बनता है उसको फ्रीजिंग प्रोसेस बोलते हैं, और सॉलिड से जब गैस बनता है उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं।